हाँ जी, मेरी गल एडवोकेट मनोज सिंह दूहन जी नाल हो रही है। हाँ जी, हाँ जी भाई साहब। सत श्री अकाल वीर जी। हरप्रीत सिंह मखू अर्ज कर रहे हैं जी। हाँ जी माकू साहब, सत श्री अकाल। वाहेगुरु जी का खालसा, खालसा वाहेगुरु वाहेगुरु जी जी की की फतेह। फतेह। चढ़दी कला चो। हाँ जी, हाँ जी माकू साहब। दूहन साहब, मैं कॉल तुहाडी चैनल ते लै रहा वां ते इक मैं जानकारी तुहाडे कोल लैनी चाहुंदा वां, क्योंकि दिल्ली दी धरती दे उपर सौगाट पैणा ते उहनां दे जिहड़े समर्थक ने ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਦਸਲੂਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਖੇਡ ਜਗਤ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਮੈਡਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਉਹ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰ ਮਸਲਾ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਆ, ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਮੈਡਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਹਾਂਜੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਜਾਟ ਨੇ, ਇਹ ਜਾਟ ਨੇ। ਔਰ ਲੜਕੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਮੈਡਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਓ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ, ਅਸੀਂ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਹਾਂ, ਸੈਲਫ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹਾਂਜੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਮੈਟਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮੈਟਰ ਕੋ ਦੇਖਤਾ ਹੂੰ ਕਿ ਯੇ ਹਮਾਰੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਪੂਰੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਬਣਾ ਕਰ पूरी रणनीति बनाकर ये हमारे ऊपर अटैक किया जा रहा है। और ये अटैक हमारी तीन चीजों के ऊपर है जो इस देश में जो मनुवादी फोर्सेस हैं या फंडामेंटलिस्ट फोर्सेस हैं या ब्राह्मणवादी फोर्सेस हैं वो कर रही हैं। एक तो हमारी जमीन के ऊपर इनका अटैक है, दूसरा हमारी जो हमारी धी बहने हैं उनके ऊपर इनका अटैक है, और तीसरा हमारा जो कल्चर है, जो हमारा सिख कल्चर है उसके ऊपर इनका अटैक है। और ये पूरा प्लैंड अटैक जो है इन्होंने किया हुआ है। ये मुसलमानों पर तो आरोप लगाते हैं कि भाई मुसलमानों ने लव जिहाद चला रखा है, वो इनका एक प्रोपगेंडा रहता है मुसलमानों को बदनाम करने के लिए, जबकि हकीकत ये है कि इन लोगों ने जो हिंदू फंडामेंटलिस्ट हैं इन्होंने हमारी भी बहनों के ऊपर जो है ये हमला इन्होंने जारी रखा हुआ है, और ये उसी कॉन्स्पिरेसी का एक पार्ट है जिसको मैं देखता हूँ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਉਹਦਾ ਪਾਰਟ ਆ, ਪਰ ਲੜਕੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗਏ ਸਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਸਾਡਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਦੀ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਲੜਕੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਨੇ ਆ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ MP ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ FIR ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਲੜਕੀਆਂ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੱਖੂ ਸਾਹਿਬ, ਆਜ ਸੇ ਪਹਿਲੇ ਆਪਨੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੀ ਹੋਗੀ ਕਿ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਮੀਡੀਆ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਹੈ वो खापों को बदनाम करता रहा है कि खापे जो हैं वो हरियाणा के अंदर भ्रूण हत्याएं करवाती हैं, वो लड़कियों के खिलाफ हैं, जबकि अब सोशल मीडिया से सारी बातें उजागर हो रही हैं, सारी बातें जो हैं वो एक्सप्लोर हो रही हैं, सच सामने आ रहा है कि भाई खाप पंचायतें तो जो है वो इस देश की बहनों के लड़कियों की मान आबरू इज्जत के हक में खड़ी है, और हमारे ऊपर खाप पंचायतों के ऊपर इल्जाम लगाया करते कि ये तालिबानी है, जबकि आज पूरा देश देख रहा है कि जिनको दिल्ली का मीडिया तालिबानी कहा करता था वो इस देश में रूल ऑफ लॉ को लागू करवाने के लिए इस देश में जो सुप्रीम कोर्ट की इंस्ट्रक्शंस के बाद FIR हुई है ब्रज भूषण सिंह के खिलाफ उसको गिरफ्तार करवाने के लिए खापे आज खड़ी हुई है, और जो दिल्ली मीडिया जो खापों को बदनाम करती थी वही दिल्ली मीडिया आज और वही दिल्ली सत्ता आज जो है वो रूल ऑफ लॉ के अगेंस्ट जाके काम कर रही है। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए इस देश के अंदर। जो हमारा आईन है, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमें आजादी मिली है वो बहुत हमें संघर्ष करके मिली है, लेकिन ये लोग इस देश की आजादी को मिट्टी में मिला रहे हैं। और जो है हम लोग देख रहे हैं कि भाई अब पूरा देश खड़ा हो चुका है, ये केवल जाटों का आंदोलन नहीं है, क्योंकि ये तो इनकी एक स्ट्रेटजी है आंदोलन को कमजोर करने के लिए। ये तो एक इनकी तरीका है कि भाई ये तो जाटों को सेग्रीगेट करने के लिए, जबकि इसमें शशि थरूर ने भी सपोर्ट किया है, वो जाट नहीं है, वहां चंद्रशेखर आजाद रावण
भाई आए हैं वो जाट कम्युनिटी से बिलोंग नहीं करते, चंद्रचूड़ जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं वो जाट कम्युनिटी से बिलोंग नहीं करते, उर्मिला मातोंडकर जाट कम्युनिटी से बिलोंग नहीं करती, नीरज जो हमारे हरियाणा के ओलंपियन हैं वो रोड कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, उन्होंने सपोर्ट किया है। तो ये केवल हमें सेग्रीगेट करने के लिए, अच्छा जैसे किसान मूवमेंट के अंदर इन्होंने किसान मूवमेंट को भी शुरुआत में नॉर्थ इंडिया में पंजाब से बाहर ये कहा था कि ये तो खालिस्तानी इसको फंडिंग कर रहे हैं, इसी तरीके से ब्रजभूषण ने कहा कि भाई इस जो ये खिलाड़ी हैं इनको जो इन्होंने जो वकील किया है कपिल सिब्बल वो 50 लाख रुपए में किया है, तो ये यहाँ भी हमें मतलब कि उसी तरीके से फंडिंग कहाँ से हो रही है, जबकि कपिल सिब्बल ने कहा कि भाई हम तो फ्री में इस केस को मैं लड़ रहा हूँ और मैं 40% केसेस फ्री में लड़ता हूँ। तो ये तो इनकी एक स्ट्रेटजी है कि इस मूवमेंट को जाटों का बताया जाए। अच्छा सेकंड बात ये है भाई, क्या जाट जो है वो इंसान नहीं होते, कि फर्ज करो कि भाई किसी जाट के साथ भी जो है हुआ है तो भी तो हमें उसके साथ खड़ा होना चाहिए। और हकीकत ये है कि जिन 7 लड़कियों ने कंप्लेंट दी है उसमें जाट भी है, उसमें राजपूत भी है, उसमें ब्रजभूषण सिंह की खुद की बिरादरी की लड़की है। तो हाँ ये तो इनका केवल एक तरीका है गोदी मीडिया का हमें मतलब बदनाम करने का और इस मूवमेंट को कमजोर करने का, जबकि मूवमेंट हमारी कमजोर नहीं हो रही। मैंने तो ये कहा था कि भाई अगर इस मूवमेंट को आज सही तरीके से नहीं हैंडल किया गया, मांगे नहीं मानी गई, ब्रजभूषण को गिरफ्तार नहीं किया गया, तो किसान मूवमेंट से भी बड़ा ये मूवमेंट इस देश में बनेगा। जी जिवें तुसीं दस्सिया कि मूवमेंट बहुत वड्डी बन जाएगी, राकेश टिकैत जी ने समर्थन कर दिता आ जो एक बहुत वड्डी जिम्मेवारी सी किसान अंदोलन के दौरान उन्होंने उपर, और तुहानूं लग रही है कि सरकार उसी प्रकार ही जो किसानी अंदोलन के जिवें बदनाम किया जा रहा है उसी प्रकार बदनाम किया जा रहा है, जो उस समय मीडिया जिन्हों गोदी मीडिया का नाम दिता गया है वो जिस तरीके दे नाल किसान मूवमेंट तो बदनाम करता सी उवें हुण बदनामी दिती जा रही है, और हुण जिहड़ा समर्थन बहुत वड्डे पद्धर दे उपर इन्हां बच्चियां नूं मिलदा आ, पहलवान बच्चियां नूं मिल रहा है, जोगिंदर सिंह उगराहां ने भी पंजाब दे विचों बहुत वड्डा समर्थन दे दिता, तुहानूं की लगदा पिआ वी एडे वड्डे समर्थन तों बाद देश दे विच कोई हलचल होवेगी? भाई साहब हलचल तो हो चुकी है और ये जो है, लेकिन इनकी कोशिश ये है कि इस देश में जब तक डिवीजन पैदा नहीं होगा तब तक जो है बीजेपी को मजा आता नहीं है। ये सोच रहे हैं कि भाई यूपी बड़ा स्टेट है, यूपी में ब्रजभूषण को बचाकर तुम हिंदू वोट को कंसोलिडेट कर लोगे, जो अपर कास्ट वोट है जैसे राजपूत है तुम उसको अपने हक में कंसोलिडेट कर लोगे, जाट तुम्हें वैसे ही वोट नहीं देता। तो इस वजह से ये इसको एक वोट बैंक की पॉलिटिक्स के हिसाब से अपने समीकरण फिट करके जो है ये काम कर रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारे गुरुओं ने हमें ये सिखाया है कि भाई हम जात पात से ऊपर उठ के काम कर रहे हैं, जैसे राम रहीम जो था उसके ऊपर भी बलात्कार के मुकदमे थे, लेकिन सिखों ने उसका सौदा लगाने की कोशिश की सॉरी टू से, लेकिन उसको कभी सपोर्ट नहीं किया राम रहीम को। लेकिन बड़े दुख की बात है कि भाई यहाँ जो ब्रजभूषण शरण है वो राजपूत कम्युनिटी से बिलोंग करता, और सोशल मीडिया पर हम लोग देख रहे हैं ऐसा नहीं होना चाहिए कि हिंदू राजपूत जो युवा है उनमें से ज्यादातर जो सोशल मीडिया पर है वो ब्रजभूषण का सपोर्ट कर रहा है, जबकि जो सिख राजपूत है वो खिलाफ है ब्रजभूषण के। ये डिफरेंस है मतलब एक कल्चर का, ये डिफरेंस है रिलीजन का, ये डिफरेंस है सभ्यता का। तो इस वजह से हम लोग जो है वो अपने कल्चर में रह के जो है इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, और पूरे देश का सपोर्ट हमें मिलेगा। मक्कू साहब ऐसा हो ही नहीं सकता कि जिस लड़ाई को खापों ने उठाया हो, जिस लड़ाई को सिखों ने उठाया हो, उस लड़ाई को कभी हार मिले, वो लड़ाई कभी हम लोग हारें, क्योंकि हमारा जो इतिहास है, हमारी जो तारीख है वो हमेशा जीत की रही है, हम कभी हारे नहीं है। और ये तो इतिहास बोलता है खापों का कि भाई खापों ने तो मुगलों से टक्कर ली, अंग्रेजों से टक्कर ली, तो इनकी बिसात ही कुछ नहीं है, तो ये तो डेफिनेटली हारेंगे इस लड़ाई में। बिल्कुल, बहुत सोहनी गल तुसी कही है कि जदों गल असूलां दी होवे, सच दी होवे, ते उस लड़ाई दे विच जित हुंदी है। पर सरकार वल्लों इक जिहड़ा नारा दित्ता जांदा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ते फिर जदों इस तरीके नाल ओह बेटियां जो देश दे पहलां पढ़ियां उस तों बाद उन्होंने देश दा नाम रोशन कीता, अज वह कह रही है भी साढ़े नाल दुरव्यवहार किया जा रहा है, लड़कियां ने इतों तक भी कहा भी साढ़े पेट से हाथ लाउंदा सी, हुण तुसीं एक अंदाजा ला के देखो भी पेट के उपर हाथ लाउणा बैड टच करना यह सारिया चीजा आईया। तो जे लड़कियां देश का नाम रोशन करन वालियां नाल यह कुछ हो रहा तो आम लड़की या आम नागरिक ये सारा कुछ देखने तो बाद की महसूस करते होणगे?
भाई साहब पेट पे हाथ लगाने की तो बात उन्होंने मतलब कि वो भी बहुत हिम्मत करके कही है, क्योंकि हमारी जो बैकग्राउंड है उसमें इतनी बात कहना भी किसी लड़की के लिए मतलब अपनी एक सेल्फ तोहीन रिस्पेक्ट मनी जी। के अगेंस्ट माना जाता है। तो वो तो पूरा एक रेपिस्टों का एक मतलब गैंग है इनका, और वो हमारे हरियाणा की और जो खिलाड़ी जो लड़कियां हैं उनके साथ वहां बाकायदा रेप करते हैं। तो ये तो इन्होंने मतलब कि टिप ऑफ द आइसबर्ग है, उसने जो विनेश ने जो बात कही है, हकीकत कुछ और है। ये तो बहुत इनका एक 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 पूरा गैंग है, ग्रूमिंग गैंग भाई साहब, जो जबरदस्ती रेप करता है। जी, पर लड़कियां ने हुण पहलवान किन्ना कु टुट चुका है। मान लो देश दा, देश दे लई एक मेडल लेके आउण वाले, देश दे लई लड़न वाले, जदों अंदरों इन्ने ज्यादा टुट जाणगे भी उहनां नूं इह गल कहणी पवे भी साडे कोलों सारे जिहड़े मेडल ने उह साडे वापस लै लो, सानूं इह मेडल नहीं चाहीदे, सानूं स्वै मान चाहीदा, सानूं सैल्फ रिस्पैक्ट चाहीदी है, उह सानूं दित्ती जावे। ਤੇ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ FIR ਜੇ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜੇ ਦਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸ਼ੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਔਰ ਦੋਸ਼ੀ ਬਕਾਇਦਾ ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਸਫਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਪੱਧਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਚੁੱਕਾ ਆ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗਾ? ये भाई साहब जो है पॉक्सो एक्ट, तो ये है कि किसी लड़की का बयान आ जाए तो उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन नहीं होती, सीधा जो उसमें जज है वो उसमें कार्रवाई करता है और अरेस्टिंग होती है। और यहाँ पॉक्सो एक्ट के तहत FIR दर्ज हुई है ब्रजभूषण के खिलाफ, लेकिन इन लोगों को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानना, ये मानते हैं मनुस्मृति को। मनुस्मृति में ये लिखा हुआ है कि जो अपर कास्ट है, जो क्षत्रिय है, जो अपर ब्राह्मण है, जो अपर कास्ट है, वो किसी का किसी के साथ भी यौन दुर्व्यवहार करे, किसी का यौन शोषण करे, तो भी उसको राजा दंड नहीं देगा। इन्होंने तो इस देश के अंदर जो है मनुस्मृति का राज कायम करना है, और ये कर चुके हैं इस देश में। और दूसरी बात यह है कि भाई जहां तक बात लड़कियों के टूटने की, हमारी बहनों के टूटने की, ऐसा नहीं है भाई साहब, जो है हम टूटने वाले लोग नहीं है, पूरा जो है देश इन बहनों के साथ खड़ा हुआ है, और हम सब रल मिलके इकट्ठे होके और पूरे देश की अकलियत, पूरे देश के जो संघर्ष साथी हैं, वो सारे इकट्ठे होके हम लोग सरकार की कमर तोड़ेंगे, क्योंकि हम लोग खिलाड़ी हैं, हम लोग जो है पीठ को अगले की पीठ को धरती पर लगाएंगे, हमारी पीठ को धरती पर लगाने की इनकी औकात नहीं है। जी बिल्कुल जी, दिल दीयां गहराइयां तो एडवोकेट मनोज सिंह दूहन जी तुहाडे धन्नवादी हां कि तुसीं अपनी सोच दे द्वारा ਇਹਨਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ ਆ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਿਖਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਬੇਟੀ ਕੋ ਬੇਟੀ ਜਾਣਾ, ਵੀ ਪਰਾਈ ਬੇਟੀ ਵੀ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਵੇ। ਮਸਲਾ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਦਾ ਆ, ਮਸਲਾ ਉਹਨਾਂ ਬੇਟੀਆਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੱਚੇ ਜਾਂ ਝੂਠੇ, ਉਹਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਟਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਹਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬੱਚੀਆਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਦਿਲ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਤੋਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਸਰ।